गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई एम पंकज मिश्रा, योर मैथ्स टीचर, हियर अगेन विद अ न्यू वीडियो इन मैथ्स क्लास. स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद दिस चैप्टर, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट. आई हैव टोल्ड यू द फॉर्मूलाज. व्हाट आर द फॉर्मूलाज दैट वी आर गोइंग टू यूज इन दिस चैप्टर? लाइक आई हैव टोल्ड यू द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट, हाउ टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड व्हाट आर द टर्म्स दैट वी आर गोइंग टू यूज इन दिस चैप्टर. सो स्टूडेंट, टूडे आई विल बी सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू दैट आई हैव सिलेक्टेड टूडे. जो क्वेश्चंस मैंने कुछ सिलेक्ट किए हैं वो मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्वेश्चंस यू विल बी सॉल्विंग द रेस्ट. ओके, तो कुछ क्वेश्चंस जो मैंने सिलेक्ट किए हैं उनमें से मैं सॉल्व कर रहा हूँ. हर टाइप का एक एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, सो दैट यू कैन इजिली सॉल्व इट. सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टूडे इज, रमेश इन्वेस्ट रूपीज 12,800 फॉर 3 years at the rate of 10% per annum compound interest. Find the sum due to the due to Ramesh at the end of the first year. Second question, the interest he earned for the second year, and the third question, the total amount due to him at the end of the third year. So in this question, first of all, student will write what is given. So principal is given 12,800. What is the rate? Rate will remain same throughout. So rate is 10% and the time duration is 3 year. But यहाँ पे तीन questions पूछे गए हैं. First question में आपसे पूछा गया है the sum due to Ramesh at the end of the first year. We just have to find out the sum. Okay, so in this what we'll do, sum के लिए हमें first of all we'll calculate the SI for first year. SI for first year will be equal to PRT by 100. So in place of P we'll write 12,800, and place of R we'll write 10%, and time will take 1 year. क्योंकि इसमें एक एक साल के लिए निकाला जाता है. First year के लिए पूछा भी गया है वैसे भी. 20 goes with 20. This will be 1280. But this will not be the answer. ये answer नहीं है. ये आपका simple interest आया पहले साल के लिए. अब आपसे पूछा गया था कितना sum आउटस्टैंडिंग में होगा उसके पास. तो अमाउंट विल बी इक्वल टू पी प्लस आई. सो दिस विल बी इक्वल टू 12,800 प्लस 1280. दिस विल बी इक्वल टू 0 8 8 प्लस 2 10, कैरी 1 2 1 3 एंड 1 4. सो दिस विल बी 14,080. 14,080 विल बी द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. नाउ सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द इंटरेस्ट ही अर्न फॉर द सेकेंड ईयर. अब आपसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेकेंड ईयर के लिए उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो अब आपको ये चीज मैंने सिखाई थी कि इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन स्टूडेंट, जो ये आपका ये अमाउंट होता है दिस विल बी द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर. सो SI फॉर सेकेंड ईयर अगर हम निकालें यहाँ पे, तो SI फॉर सेकेंड ईयर विल बी इक्वल टू पी. नाउ पी विल बी 14,080 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय 1. ठीक है, सेकेंड ईयर है तब भी हम लोग वन ही लिखेंगे. वन 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 ईयर के लिए लिया जाता है. 2 0, 1 0 से कटा, 1 0 से कटा. तो 1408 जो रुपीज आया ये इसके पास इंटरेस्ट होगा सेकेंड ईयर के लिए. अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो क्या पूछा गया है, द टोटल अमाउंट ड्यू टू हिम एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर. आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल अमाउंट इसका कितना होगा थर्ड ईयर के एंड में. तो पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, पहले हमें सबसे पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा सेकेंड ईयर का. तो सेकेंड ईयर का अमाउंट क्या होगा, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर दिस विल बी इक्वल टू आपका प्रिंसिपल 14,080 प्लस आपका 1408. सो दिस विल बी इक्वल टू 88451. सो दिस विल बी 15,488. अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द टोटल अमाउंट ड्यू टू हिम एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर. अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे जो आपने फर्स्ट ईयर के लिए निकाला था ये सब छोड़ो, आपको थर्ड ईयर के लिए पूछा गया है कि कितना अमाउंट उसके पास आउटस्टैंडिंग होगा. सो फॉर दैट वी हैव टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट फॉर वन मोर ईयर. एक साल और हमें निकालना पड़ेगा. तो SI फॉर SI फॉर थर्ड ईयर दिस विल बी इक्वल टू 15,488 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 1/100. दिस विल बी 10 से 0 कटा, ये 1548.80 इतना आपके पास जो होगा इंटरेस्ट आ जाएगा थर्ड ईयर के लिए. लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑल्सो.
तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 15488 प्लस 15488.80, इतना आपके पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा 17,036. दिस विल बी द अमाउंट दैट विल बी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर. तो मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए करा दिया जिसमें अगर आपको तीन क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग, जैसे फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट पूछा गया है, सेकंड में इंटरेस्ट पूछ लिया गया था, थर्ड में आउटस्टैंडिंग अमाउंट पूछ लिया गया था, तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, थोड़ी सी कंडीशन में बदल के क्वेश्चन कर रहा हूँ. जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, दिया है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर टू ईयर एट 12% पर एनम इज ₹1380. बेटा ध्यान से सुनिएगा, सिंपल इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में दे दिया ऑलरेडी और टू इयर्स के लिए है 12% पे. पहले तो आपको सम निकालना है और जो सम आपका निकल के आता है उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम फॉर वन ईयर पेबल हाफ ईयरली ऑन एट द सेम रेट. अब आपसे क्या पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछ लिया गया है. तो ये भी इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है जिसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे सिंपल इंटरेस्ट दे दे और प्रिंसिपल पूछ के उसी प्रिंसिपल पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकलवा दे. इन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हाट विल डू, फर्स्ट विल कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट इज योर 1380, ठीक है. रेट आपको दिया हुआ है, रेट इज 12% एंड टाइम इज टू ईयर. तो हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं है भैया, प्रिंसिपल चाहिए सबसे पहले. तो प्रिंसिपल के लिए हम लोग फॉर्मूला तो यही वाला यूज करेंगे, SI=PRT/100. जैसे हमने लगाया यहाँ पे हमें पी नहीं पता, तो पी के लिए फॉर्मूला क्या बन गया, SI×100/R×T. यही तो फॉर्मूला बनेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके. अब नाउ व्हाट विल डू, विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. SI की वैल्यू 1380×100/rate कितना है आपका बेटा 12×2, यही तो आएगा भाई. रेट आपको क्वेश्चन में 12% दिया हुआ था स्टार्टिंग में, देखिए रेट आपको दिया हुआ था, तो आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है. अब इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ से 4×3=12 हो गया, 4×25=100 हो गया, ये आपका आ गया, ये भी कट जाएगा, 3×4=12, 3×6=18, 0, और ये आ गया 230, तो ये आ गया आपका 25×23 कर लीजिए, तो 20×5=15, 7×5=10, 5, तो ये आ जाएगा आपका 5750. ये आपका आ गया प्रिंसिपल. अब प्रिंसिपल हमने निकाल लिया, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेटा इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, लेकिन कंडीशन हमें हाफ ईयरली की दे दी. कौन सी दे दी, हाफ ईयरली. तो मैंने आपको सिखाया है हाफ ईयरली के केस में बेटा आपको क्या करना होता है, जो रेट होता है वो हाफ हो जाता है. तो रेट आपका कितना हो जाएगा, R/2%, ये हो गया आपका कितना 12/2, 6%. और टाइम की क्या बात की गई है, देखिए यहाँ पे टाइम चेंज कर दिया उसने, बोला वन ईयर पेड हाफ ईयरली, इसने बोला वन ईयर पेड हाफ ईयरली. तो टाइम अगर इसने वन ईयर दिया था तो हाफ ईयरली के केस में क्या हो जाएगा, टू हाफ ईयर, क्या हो जाएगा, 2n होता है ना, तो ये 2.5 ईयर हो गया. अब टाइम पता चल गया, अब कंपाउंड इंटरेस्ट तो आप निकाल सकते हो आराम से, P1+R/100^(n-1). यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, P की वैल्यू कितनी है 5750, रेट कितना है आपका, अब रेट 12 नहीं रखेंगे 6% रखेंगे, तो 6×100^(2-1). अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. देखो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे आप लोग, या इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3/50, इसको वैल्यू करिएगा, सॉल्व हो जाएगा. सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व. अगर आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं दिया है तो ऐसे सॉल्व करेंगे. इसी टाइप के क्वेश्चन और भी आपको दिए हुए हैं, ठीक है, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सेमी एनुअली वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है. अब एक क्वेश्चन में आपको सक्सेसिव रेट वाला जो मैंने आपको बताया था, उस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था कि अगर सक्सेसिव रेट है तो उसमें 1+ ये वाला चल रहा है, ये 1+R/100^(1) है, मतलब फर्स्ट ईयर के लिए, फिर 1+R/2/100, इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. एक क्वेश्चन आपका देखिए इसमें दिया हुआ है जिसमें आपको अक्सर ये पूछा जाता है, और इस बार आपका जो 9th का बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपसे रीपे वाला टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर बीच में आपने कुछ
जैसे हमने किसी से लोन लिया, ठीक है, अब लोन आपने ले लिया तो क्या हुआ, वो बीच बीच में जैसे अगर आपके पास पैसे होते हैं तो आप लोग उसको क्या करते हैं, बीच बीच में रीपे कर देते हैं, तो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है वही आपका प्रिंसिपल बन जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी इस बार बोर्ड एग्जाम में आया जिसका 9th के, तो हम लोग उस टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। बाकी मैंने आपको सिखाया है किस तरीके से फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। रीपे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, मिस्टर दुबे बोरोस 1 lakh फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट 11% रेट पर एनम। मिस्टर दुबे ने क्या किया, 1 lakh रुपीज लिया स्टेट बैंक से, तो प्रिंसिपल अमाउंट इज बेटा 1 lakh, ठीक है, 1 lakh ले लिया इन्होंने। अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि रेट आपका जो है वो 11% है, रेट इज योर 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया है, ही रिपेस 41,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। पहले साल उन्होंने क्या किया, 41,000 वापिस कर दिया एंड 47,700 एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। फाइंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। इन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर में उनके पास कितना रुपए आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचेगा। अब ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए टाइम यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें पहले साल और दूसरे साल में आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो दिखाना पड़ेगा। पहले तो हम लोग पहले लिखेंगे SI फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर की बात करें तो बेटा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला PRT/100 हो गया, तो ये SI निकल गया है आपका। तो P की जगह कितना रखेंगे, 1 lakh, ठीक है, इंटू रेट आपका 11 है अपॉन 100 कर दिया हमने, 2 0 से 2 0 काट दिए तो आपका आ गया 11,000। अब जो 11,000 रुपीज आया ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। अब हम इसे किसी में ऐड करेंगे प्रिंसिपल में, तो हमारा अमाउंट निकल के आएगा। तो प्रिंसिपल आपका 1 lakh था, ठीक है, अब इसमें आपने 11,000 ऐड कर दिए, ऐड करेंगे ना, ये कितना बच जाएगा, 1110001 लाख 11,000, ठीक है। अब लेकिन इन्होंने एक कंडीशन ये दिया था कि उसने कुछ अमाउंट रीपे कर दिया, तो आपको एक चीज पता है कि रीपे वाला अमाउंट हमेशा माइनस हो जाता है, तो कितना अमाउंट इसने किया था, 41,000, तो इतना का आप माइनस कर दीजिए तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचेगा आपके पास। आउटस्टैंडिंग अमाउंट ये हो जाएगा आपका 0000070,000 आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट बन जाएगा, जो कि प्रिंसिपल होगा सेकेंड ईयर के लिए, क्योंकि इतना तो आपने लोन वापिस कर दिया, इस पर थोड़ी इंटरेस्ट देंगे। अब सेकेंड ईयर के लिए हम लोग निकालें अगर, तो SI फॉर सेकेंड ईयर ये हो जाएगा आपका 70,000 इंटू रेट 11 अपॉन 1/100, 2 0 से 2 0 कट गए, ये आपका आ गया 7700 विल बी द अमाउंट। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे तो 70,000 में ये ऐड हो जाएगा, तो दिस विल बी 77700। अब हमें क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या पूछा गया था। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो था उसमें हमें माइनस करना है, क्योंकि बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर का पूछा गया है, तो इसने कितने रुपए रीपे दे दिए सेकंड वाले में, 47,700 यही दिया है, 47,700, तो इतना आपने माइनस करना पड़ेगा इसमें से, सो दिस विल बी 30,000 अमाउंट जो है उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचेगा, जो कि वो थर्ड ईयर के बिगनिंग ऑफ द ईयर उसके पास होगा। This much amount he has to pay further. तो exercise first में बेटा आपको मेरे ख्याल से इस टाइप के जितने भी questions थे मैं discuss कर लिए हैं। एक question मैं आपको verbally समझा दे रहा हूँ, उसको ध्यान से लिखिएगा। इससे पहला वाला question जो है, a man borrows ₹6,000 at 5% compound interest. He repays 1,200 at the end of the each year. Find the amount. Same वही question है, बस इसमें क्या है, इसमें जैसे अलग अलग क्वेश्चंस में आपको फर्स्ट ईयर में अलग पैसा उसने रिटर्न किया, इसमें अलग किया, उसमें 1200 के हिसाब से आपको करना है, मतलब हर साल 1200 वापस करना है। बाकी तो आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने आपको बता दिए हैं, एंड यू कैन ऑल्सो स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज। बाकी आपका लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही क्वेश्चन है, विक्रम बोरोड ₹20,000 फ्रॉम अ बैंक एट 10% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट, लेंड इट टू हिज फ्रेंड वेंकट एट द सेम रेट बट कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द गेन आफ्टर 2.5 साल। 2.5 साल दैट मीन्स 2.5 ईयर, 2 इयर्स 6 मंथ। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको करना क्या है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम पीरियड इज गिवन टू यू, आपने क्या करना है सिंपल इसे
सिंपल इंटरेस्ट अलग निकालेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट अलग निकालेंगे, दोनों को ये चेक करके देखेंगे हमारा कि क्या आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं आपको बता दे रहा हूँ किस तरीके से करना है, सो दैट यू कैन कंप्लीट योर फर्स्ट एक्सरसाइज, यू कैन प्रोसीड टू सेकेंड एक्सरसाइज ऑल्सो बिकॉज फॉर्मुलाज आर सेम बट द मैथड आर डिफरेंट। उसमें आप लोग डायरेक्टली अमाउंट वाला फॉर्मुला लगा के सॉल्व करना है, यहाँ पे हम लोग एक एक साल के लिए लगाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसमें। विक्रम बोरो 20,000, विक्रम ने कितना रुपए बोरो किया, 20,000 इज द प्रिंसिपल। नाउ व्हाट इज गिवन, 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। नाउ टाइम पीरियड इज 2.5 साल, 2.5 ईयर दैट इज 2 ईयर 6 मंथ विच इज इक्वल टू 5/2 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है कि ही लेंट इट टू हिज फ्रेंड वेंकर एट द सेम रेट बट कंपाउंडेड एनुअली। अब इन्होंने ये बोला कि इसने अपने फ्रेंड को दे दिया किस पे, कंपाउंडेड एनुअली पे। तो पहले तो ये समझे कि इसने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया था, तो एस आई ई क्या हो जाएगा इसके लिए, PRT/100। नॉर्मली आप निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल इज 20,000, ठीक है, और आपका रेट इज 10% एंड टाइम इज 5/2, 100 × 2 हो गया, अकाउंट में चला जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है, 2 5 10 हो गया और ये 25 2 ये 5,000 आ गया अपना। तो 5,000 तो इसे सिंपल इंटरेस्ट मिला। अब इसने क्या किया कि अपने फ्रेंड जो कि क्या नाम है इसका, वेंकट को इसने दे दिया कंपाउंडेड एनुअली पे दे दिया। अब यहाँ पे जो कंपाउंडेड एनुअली पे दिया इसने, ध्यान से आपको ये लेना है कि कंपाउंडेड एनुअली दिया इसने, हाफेली नहीं दिया। और आपको एक चीज मैंने सिखाया था कि फ्रैक्शन में टाइम पीरियड होता है तब निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आपने क्या करना है यहाँ पे कि फ्रैक्शन वाले के लिए भी मैंने आपको सिखाया था कि आप कैसे सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, प्रिंसिपल इज 20,000 दैट विल रिमेन सेम। हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो अमाउंट निकाल लेते हैं पहले हम इसका। तो अमाउंट हमारा कितना होता है अगर हम फ्रैक्शन वाली बात करें, तो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था प्रिंसिपल 1 + R/100। यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन का पहला वाला पार्ट है जैसे 2, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है, 1 + और जो ये हाफ वाला पार्ट है ये रेट से मल्टीप्लाई होके अपॉन 100 हो जाएगा, ये होता है तरीका। सो यहाँ पे रख के देखेंगे तो दिस विल बी 20,000, 1 + R की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, R आपका दिया है 10/100^2, यहाँ पे 1 + ½ × रेट आपका कितना है 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 अपॉन में, तो ये हो जाएगा 2 5 10 और ये आ जाएगा आपका 20। तो ये आ जाएगा आपका 20,000 × 10 से ये कट गया, तो ये कितना आ जाएगा 11/10, तो ये 121/100 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 21/20, ठीक है। तो इतना अगर आप चेक करें तो ये नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा आपका, 2 0 3 0 ये तो कट गया, यहाँ से 2 से ये कट गया 10 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 121 × 21 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 121 × 21, ये आ जाएगा 25,410, ठीक है। लेकिन अभी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आया, कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू A-P, तो ये आ जाएगा 25,410 में से 20,000 माइनस कर दीजिए, सो दिस विल बी 5,410। अब नाउ फ्रॉम दिस यू कैन सी दैट कि जब उसने अपने फ्रेंड को इसको इतने पे दिया तो उसको मिला कितना था 5,100, लेकिन उसे इससे कितना मिल गया 5,410। तो आपको यू कैन सी फ्रॉम दिस उसको गेन हो गया 410 रुपए का। तो इसको क्या हुआ, गेन। गेन कैसे निकालेंगे, CI - SI, तो ये आ जाएगा आपका 5,410 - 5,000, दिस विल बी इक्वल टू 410। सो स्टूडेंट यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन लाइक दिस। अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किसी से सिंपल इंटरेस्ट पे लिया लेकिन उसको दूसरे फ्रेंड को या किसी को हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिया, तो दिस इज हाउ यू विल बी सॉल्विंग। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट एक्सरसाइज, आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, यू कैन ऑल्सो प्रोसीड टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, वैसे ही करने हैं आपको क्वेश्चन को, ठीक है। एंड अगर फिर भी कोई आपको डाउट होता है यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप, यू कैन पर्सनली कॉल मी, यू कैन टेक्स्ट मी, ओके, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज इफ यू लाइक, बिकॉज आप लोगों को जो भी चीजें इसमें मिल रही है ये आप लोग अपनी कॉपीज में भी कंप्लीट करते रहिए, ठीक है, थैंक यू।